अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जॉब आई हैं उनके बारे में। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जॉब आई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। इसमें है जी असिस्टेंट की जॉब्स हैं BPS 15, टेक्निकल असिस्टेंट BPS 15, स्टेनोटाइपर BPS 14, लोअर डिवीजन क्लर्क BPS 09, स्टाफ कार ड्राइवर BPS 4, डिस्पैच राइटर BPS 4, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर BPS 4, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर BPS 4, नायब प्रशासक BPS 1, रेगुलर फराश BPS 1, चौकीदार BPS 1। अगर बात करें तो असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं पूरे पाकिस्तान की। एक ग्रेजुएशन बेस पे है, इसमें 6 वीक्स का आपका बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए। बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं, फाटा की 1 सीट है। एज लिमिट 18 से 33 है। 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो इसके अंदर ऐड है। स्टैटिकल असिस्टेंट, इसके लिए भी ग्रेजुएशन बेस पे आइए। विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट लाजमी है। ओपन मेरिट है पूरे पाकिस्तान की, 18 से 30 साल, रिलैक्सेशन इसके अंदर ऐड है एज में जो है। जेनोटाइपस्ट, ये इंटरमीडिएट बेस पे है, 18 से 30 साल एज है। बाकी ये मेरिट बेस पे 4 सीटें हैं, 3 सीटें जनरल कोटे पे हैं, 1 फीमेल की है। बाकी पंजाब में 19 सीटें हैं, 12 जनरल की, 4 फीमेल की, 2 माइनॉरिटी की, 1 डिसेबल की। सिंध रूरल अर्बन में है 3 सीटें, जनरल की 2 और फीमेल की 1। सिंध रूरल में है 2 सीटें, 1 जनरल, 1 फीमेल कोटे की। खैबर पख्तूनख्वा में 3 सीटें हैं, 2 जनरल की और 1 फीमेल की। बलूचिस्तान में 1 सीट है जनरल कोटे पे। और फाटा में 2 सीटें हैं, 1 जनरल कोटे की, दोनों सीटें। और GB में 1 सीट है जनरल कोटे की। आजाद कश्मीर में 2 सीटें हैं, वो भी जनरल कोटे की। इसके बाद आ जाएं तो लोअर डिवीजनल क्लर्क BPS 19, ये मैट्रिक बेस के बेस पे है। इसके साथ 30 वर्ड पर मिनट टाइप वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। 3 वीक्स बेसिक आईटी कोर्स जो है वो कंडक्ट होगा, इसके लिए चाहिए होगा। 18 से 30 साल एज है, रिलैक्सेशन के अंदर ऐड है। मेरिट बेस पे 2 सीटें हैं जनरल कोटे की, बाकी पंजाब की 13 हैं, 10 जनरल पे हैं, 2 फीमेल की और 1 माइनॉरिटी की। सिंध अर्बन की 2 सीटें हैं जनरल कोटे पे, सिंध रूरल की 3 सीटें हैं, 2 जनरल की, 1 फीमेल की। खैबर पख्तूनख्वा की 2 सीटें हैं जनरल कोटे पे। बलूचिस्तान की 1 सीट है जनरल कोटे पे। फाटा की 1 सीट है जनरल कोटे पे। आजाद कश्मीर की 1 सीट है जनरल कोटे पे। इसके बाद है स्टाफ कार ड्राइवर BPS 4, ये टोटल सीट्स हैं 7। प्राइमरी बेस पे है, ड्राइविंग लाइसेंस 7 होना लाजमी है। 18 से 35 साल एज है। इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 1 है, सिंध रूरल की 2 है, फाटा की 1 है, पंजाब की इसमें सीट नहीं है। डिस्पैच राइटर BPS 4, ये प्राइमरी बेस पे है, इसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना लाजमी है। पंजाब की है सीट सर, ये भी 1 सीट जो है ये, इसमें एज लिमिट है 18 से 35 साल, इसमें रिलैक्सेशन एडेड है। डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर BPS 4, 1 सीट है, प्राइमरी हो, बाकी मशीन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो इसको। इस्लामाबाद की सीट है, 18 से 30 साल एज है, रिलैक्सेशन इसके अंदर एडेड है। फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, ये भी 1 सीट है, प्राइमरी पास हो, मशीन चलाने का उसको नॉलेज हो थोड़ा बहुत, इस्लामाबाद की है और इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 साल, 5 साल की रिलैक्सेशन इसके अंदर एडेड है। इसके बाद है जी नायब कासिद, वो भी BPS 1 है, 11 सीटें हैं, प्राइमरी पास, क्वालिफिकेशन चाहिए। इस्लामाबाद की 5 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 1 है, फाटा की 1 है। 18 से 30 साल एज है, रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है इसके अंदर। रूरल रेगुलर फराश BPS 1, 3 सीटें हैं, प्राइमरी पास है, पंजाब की 2 हैं, पख्तूनख्वा की 1 है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है इसके अंदर। चौकीदार BPS 1, 2 सीटें हैं, प्राइमरी पास हो, इस्लामाबाद की 1 सीट है, पंजाब की 1 है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 5 साल की इलेक्शन इसके अंदर एडेड है। टोटल सीटें 92 हैं। इसमें अप्लाई का तरीका बहुत सिंपल है, ऑनलाइन अप्लाई है। मैं इसका जो अप्लाई का लिंक है वो इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये था जी आज का हमारा जॉब का रिव्यू। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें।